दुनिया का नियम है, गुस्सा जब भी आता है नीचे वाले पे आता है, ऐसा ही नीचे वाले पे आता है, आदमी को भी नीचे नहीं आता है। इसलिए इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते हैं ताकि हम अपने आप को यूं कहें कि हम अपने आप के जीवन में नित नए स्नान करते रहें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहें। लोगों के आचरण में और नशे पे के ऊपर के मेन तो परिवार के बात है, क्योंकि अगर घर अच्छा है, घर से अगर अच्छे नहीं रह पाएंगे तो आगे कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। जो महाराज जी ने जो यहाँ बातें बताई है ये कहीं ना कहीं हर घर की कहानी है, हर घर में यही हो रहा है। छोटे छोटे टिप्स जो देते हैं हमारे साथ, उससे क्या है लोगों में नई ऊर्जा मिलती है, नई जिंदगी जीने की नई कला मिलती है। कर नहीं पाते लेकिन इससे चार्ज बैटरी, जैसे मोबाइल अपन डेली चार्ज करना पड़ता है, वैसे पब्लिक चार्ज हो गई। राजसमंद में 3 दिवसीय आनंदम सत्संग महोत्सव हुआ और इस महोत्सव में राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और मुख्य रूप से जो राष्ट्र संत ललित प्रभु और चंद्र प्रभु द्वारा संबोधित किया गया, आम जन को जीवन जीने की कला सिखाई गई। हमारे साथ में संबोधि सेवा परिषद से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह का कार्यक्रम 3 दिवसीय रहा और इस कार्यक्रम में क्या मुख्य संदेश रहा। आनंदम 3 दिवसीय कार्यक्रम था, कितना बजा है आनंदम? जहाँ छोटी छोटी खुशियों से छोटे छोटे आनंद को बटोरने से जो आनंदम मिलता है, यहाँ पर जो कार्यक्रम था जीवन जीने की कला और आओ जीवन को स्वर्ग बनाए, राष्ट्र संत ललित प्रभु जी महाराज साहब, चंद्र प्रभु जी महाराज साहब के पावन उद्बोधन से निश्चित ही राजसमंद की इस धरा पर जितने भी जन महानुभाव यहाँ पधारे एवं उनके घरों में जो संदेश पहुँचा है पुस्तकों के माध्यम से, निश्चित ही हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए यह आनंदम जो कार्यक्रम है निश्चित ही कारगर एवं सफल साबित होगा और भावी जीवन को आलोकित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल, 3 दिन में जैसे एक घर की छोटी छोटी बातें कि उन्होंने उदाहरण दे के एक एक व्यक्ति को खड़ा करके जिस तरह से समझाया और जिस तरह से उन्होंने वह संदेश पहुँचाने का प्रयास किया, कैसा लगा? जैसे हर व्यक्ति ज्ञानवान है, निश्चित ही भगवान ने सभी को अलग अलग कलाएं दी है, उसी प्रकार हर व्यक्ति जानता है मुझे ये करने से अच्छा रहेगा, लेकिन जिस प्रकार एक तालाब के अंदर पानी जब इकट्ठा हो जाता है, जमा रहता है, तो उसमें धीरे धीरे कई आने लगती है, उसमें कांजी का एक जो रूप आता है, उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति हमें भी जिस प्रकार से हम इस माहौल में वातावरण में जीते हैं, हमें ज्ञान है, हमें ये करना अच्छा रहेगा, किस प्रकार से माता पिता की सेवा है, परिवार में किस प्रकार से रहे, लेकिन इस वातावरण में माहौल में कहीं ना कहीं कलुषित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, उनको उस आवरण को ठीक करने के लिए ऐसे संतों के जब चरण पड़ते हैं उनकी वाणी से हम अपने जीवन को सुधारने की ओर अच्छे कदमों की ओर हम अग्रसर होते हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते हैं ताकि हम अपने आप को यूँ कहें कि हम अपने आप के जीवन में नित नए स्नान करते रहें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहें। ऐसी जो बातें उन्होंने उदाहरण के माध्यम से जो समझाई, ऐसा लगा कि ये बातें बिल्कुल छोटी छोटी हर आदमी जानता है लेकिन फिर भी ये गलतियां करता है। जो सब बातें बताई है वो सभी जानते हैं, सबको मालूम है, पर इनके उदाहरण जो समझाने का तरीका इतना ज़बरदस्त है। एक परिवार के साथ अपन को रहना है और छोटी छोटी चीज़ें जो दूरियां बन रही है वो दूरियां समाप्त होने का बहुत अच्छा एक मौका था। यहाँ सब जो लोग आए उनको बहुत लाभ मिला, लोगों के आचरण में और नशे पे के ऊपर के मेन तो परिवार के बात है, क्योंकि अगर घर अच्छा है, घर से अगर अच्छे नहीं रह पाएंगे तो आगे कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या आजकल पिता पुत्र कि आपसी संबंधों में जो डिस्टेंस आ रहा है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब कुछ आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी यहाँ बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया है। ऐसा इस कार्यक्रम के माध्यम से यूँ लगा कि कहीं ना कहीं भाई भाई या परिवार में जो सदस्य हैं, हर मेंबर में कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है, तनाव है, उस तनाव को कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल, ये जो महाराज जी ने जो यहाँ बातें बताई है ये कहीं ना कहीं हर घर की कहानी है, हर घर में यही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी ऐसे ज्ञान की बातें हैं जो सबके पास है, लेकिन होता क्या है, ईश्वर ने सबको जन्म के साथ एक बैटरी दी हुई है, उस बैटरी से हमारा ये ऊर्जा से हमारा ये जीवन चलता है, लेकिन उस बैटरी को नियमित रूप से अगर चार्ज नहीं किया जाए,
तो वो बैटरी काम की नहीं रहती। तो यहाँ संतों के इस तरह के प्रवचन सुनने से वो बैटरी नियमित रूप से चार्ज होती है, और चार्ज होती है तो वो उनको हम लोग जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को आदतों के रूप में बनाते हैं, और इससे जीवन जो जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं वो हमें यहाँ चरितार्थ होते नजर आता है। मुख्य रूप से महाराज जी ने ये कहा कि हर व्यक्ति अपनी आदतें बदलें, अगर आदतें बदल लें तो कहीं सारी घर की जो समस्याएं हैं, ग्रह क्लेश है, वह दूर हो सकता है। छोटे छोटे टिप्स जो देते हैं हमारे साथ, उससे क्या है, लोगों में नई ऊर्जा मिलती है, नई जिंदगी जीने की नई कला मिलती है, उसमें नया नया ज्ञान मिलता है, और नए नए उसके साथ आदमी प्रयोग करता है तो उसमें हंसी खुशी नई जिंदगी मिलेगी। इन्होंने जो एक एक व्यक्ति को, महिलाओं हो, बच्चे हो, हर एक को ऊपर बुलाया, हर एक का उदाहरण दिया उन्होंने, हर एक के परिवार की मतलब बातें जानी उन्होंने, और इस तरह से जानकर जो उस समाधान की जो टिप्स दिए, यूँ लग रहा है कि हर व्यक्ति के जहन में वो बात गई। तो हर आदमी आया है, तीन दिवसीय जो कार्यक्रम आनंदम के माध्यम से समुदी सेवा परिषद राजसमंद ने जो किया, तो उससे लोगों को नई नई जानकारियाँ मिली है, उसमें कैसे परिवार में रहना वो जानते सब है, लेकिन किसी माध्यम से कर नहीं पाते। तो इस माध्यम से उनको ये ज्ञान हुआ, तो महाराजा के आदेश और इससे ये लोग नई नई जिंदगी जीने की कला सीखेंगे। ये कार्यक्रम जैन संत हैं, लेकिन यूँ देखा कि इसमें सभी कौम के, सभी जाति के लोग भी इसमें शामिल हैं। सभी, मैं ब्राह्मण हूँ तो भी मैं भी यहाँ सुनने आया। तीन दिन से इनका अच्छा प्रोग्राम था, हम सुन रहे थे, ये भी सत्तू जी पालीवाल ब्राह्मण है, तो सभी 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि जैन ही इनको सुनेंगे, मैं इनसे मतलब 10-15 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और इनका कहीं भी प्रोग्राम होता हूँ तो ये मैं सुनने जाता हूँ। और यहाँ पर इन्होंने अच्छा, सम्मति परिवार ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो हमारे को यहाँ घर बैठे गंगा मिल गई है, तो इसका लाभ हमने लिया है। और परिवार से सब आए, अभी जो जिनका सम्मान हुआ, मेरे ससुर जी आमेट से वो भी आए हैं, कुरस से आए हैं, मेरे बुआ जी फूफा जी, बहुत परिवार वाले हैं जिनको मैं लेके आता हूँ, और सब सुन रहे हैं और इनका सब लाभ ले रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो कार्यक्रम हुआ, इसका असर राजसमंद में देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हर आदमी को अपने परिवार में बच्चे बच्ची सब सीख गए कि ऐसा जानते सभी है, कर नहीं पाते, लेकिन इससे चार्ज बैटरी, जैसे मोबाइल अपन डेली चार्ज करना पड़ता है, वैसे पब्लिक चार्ज हो गई, इसलिए सबको ऐसा लगे डेली अपन को मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए गुरुजी साल 6 महीने में आते रहते, सबको चार्ज करके जाते चलते रहते हैं। जब भी गुरुजी की इतनी मेहरबानी, जब भी आते मेरे घर पर रुकते हैं तो पूरा परिवार हम चार्ज देते हैं, चार्ज खत्म हो जाता है, गुरुजी आ जाते हैं, सबको चार्ज करके चले जाते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंकों में लड़ाई, किसमें हुई? अंकों में लड़ाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में लड़ाई यूं हो गई कि अंकों ने भी इंसानों का झूठा पानी पी लिया, तो लड़ना सीख गए। अब अंकों में जब लड़ाई हुई तो बात बड़ी तो हाथापाई बड़ी तो गुस्से चलने शुरू हुए, और गुस्से में आकर 9 ने 8 को गुस्सा क्या मारा, इसको मारा 8। आपने क्या किया? और 7 को आया तो 6 को मारा, और 6 को आया तो, और 5 ने गुस्से का नियम होता है, जब भी आता है ऊपर वाले को नहीं आता। एक बात बताओ, किसी थानेदार को गुस्सा आएगा तो अपना गुस्सा एसपी पे निकालेगा कि कांस्टेबल पे निकालेगा? किस पे? एसपी पे चल जाएगा, कांस्टेबल पे, और कांस्टेबल को गुस्सा आएगा तो गंगा को कूटेगा। दुनिया का नियम है, गुस्सा जब भी आता है नीचे वाले पे आता है, ऐसा ही नीचे वाले पे आता है, आदमी को भी नीचे लेके जाता है। 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 4 को, 5 को मारा, 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, सबके नाम निकलते जा रहे थे, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 गुस्सा 1 को मारा, अब 1 के पास कौन बचा? 0। और वो जैसे ही 0 के पास गया, मुक्का मारने के लिए 0 लगा है। याद रखना, घर परिवार में लड़ना कभी समस्या का समाधान नहीं, ये तो और समस्याओं को पैदा करने का तरीका है। एक ने कहा मुझे गुस्सा आ रहा, तुम बोलो क्या करूं, इन सब ने एक दूसरे को मारा, मैं क्यों चुप रहूं? जीरो ने कहा बुद्धि का प्रयोग कर, भगवान ने बुद्धि जंग लगाने के लिए नहीं दी है, उपयोग करने के लिए दी है। तो जीरो को एक ने कहा बोल मैं क्या करूं, जीरो ने कहा मेरे पास आ। कभी कभी जीरो कैसे हीरो बनता है, जीरो कैसे हीरो बनता है। जीरो ने एक को कहा मेरे पास आओ, एक उसके पास गया, और जीरो ने कहा एक काम कर, तुम मेरे गले में हाथ डाल के, मतलब कि देख इन सब ने घूंसे मारे, सब जमीन पे गिर गए हैं, मेरे कहना मान,
तुम मेरे गले में हाथ डाल, मैं तेरे गले में हाथ डालूंगा। और ऐसा करते ही एक ने जीरो के गले में हाथ डाला, जीरो ने एक के गले में हाथ डाला, दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि नौ नौ रह गया, आठ आठ रह गया, सात सात रह गया, छह छह रह गया, पांच पांच रह गया, चार चार रह गया, दो दो रह गया, तीन तीन रह गया, पर एक और जीरो मिलकर के प्रेम की ताकत है, ये साथ की ताकत है, ये मिलने की ताकत है, ये परिवार की ताकत है, ये जुट रहने की ताकत है, ये एकजुटता की ताकत है, ये जिंदगी में रिश्तों को निभाती है। जैसे किस तरह से वास्तव में जो एक एनर्जी बूस्टअप की हैं संत, राष्ट्र संत हैं ललित प्रभु और चंद्र प्रभु की, ये जो तीन दिवसीय प्रवचन माला थी, इस माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों की बैटरी को चार्ज करने का प्रयास किया है। और ख़ास तौर से इस यात्रा के माध्यम से, इस प्रवचन माला के माध्यम से लोगों को न सिर्फ व्यसन मुक्ति के संदेश दिए बल्कि परिवार के जो गृह क्लेश हैं मुख्य रूप से उसे दूर करने का प्रयास किया है। राष्ट्र संत ललित प्रभु और चंद्र प्रभु इनकी मुख्य रूप से आज शाम को भी एक प्रवचन माला इसी जगह प्रज्ञा विहार में शाम को 8 से 9:30 बजे तक होगी। इस कार्यक्रम में भी ये अंतिम राजसमंद में तीन दिवसीय प्रवचन माला थी जो दिन की वो पूरी हो गई है, लेकिन आज शहरवासियों और क्षेत्रीय लोगों की डिमांड पर यह विशेष आयोजन आज शाम को रखा गया है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।